हेलो दोस्तों, हाउस प्लानर टू चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त आर्किटेक्ट महिपाल। मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि अगर आप नया मकान बना रहे हो तो आप कैसे चेक करें कि जो हमारा मकान है वो गोनिया के अंदर बन रहा है। जैसे कि आपका मान लो कि प्लॉट 30x50 का है या 25x40 का है, जितना भी आपका प्लॉट है, तो हमारी जो प्लॉट की लाइनें होती हैं वो एकदम स्ट्रेट होती है, ठीक है। अब लेकिन क्या है कि जब हम लोग कारीगर लोगों को सौंप देते हैं कि सर आपने मान लो कि किसी से नक्शा भी बनवा लिया, आर्किटेक्ट है, आप मकान मौके पर आप बना रहे हो, आप साइड पर नहीं जा रहे हो, और किसी कारीगर वगैरह को किसी भी मिस्त्री को आपने सौंप दिया कि इस नक्शे के अकॉर्डिंग आपको मकान बनाना है। अब क्या होता है कि जब मिस्त्री लोग होते हैं ना, वो थोड़ा कि गुनिए के अंदर बनाने से वो जल्दी में बनाते हैं, उनका काम होता है ये काम करना, तो वो लोग क्या कि थोड़ा बहुत गलत ले लेते हैं। अभी जैसे मान लो कि आपकी मकान की जो प्लॉट की लेंथ है वो 50 फीट है। अब 50 फीट के अंदर अगर वो 2 या 2.5 इंच अगर बाहर की तरफ लेगा या 2-2.5 इंच अंदर की तरफ लेगा ना, तो देखने में आपको पता भी नहीं चलेगा कि जो हमारा मकान है वो गुनिया में है या नहीं है। तो आपको आज मैं बताऊंगा कि इसको कैसे चेक करें हम लोग कि ये गुनिया में है या नहीं है। तो मैं आज आपको एक सिंपल सी ट्रिक दे रहा हूँ कि इस मकान को आप खुद जाके साइड पर देख सकते हो कि गुनिया में है या नहीं है। अब मान लो कि एक दीवार, ये आपकी एक दीवार तो हमेशा फिक्स होती है, या तो इस तरफ रोड होगी या इस तरफ किसी और का मकान होगा, ठीक है। तो दो चीज़ें तो होनी होनी है। अगर मकान नहीं है, अगर आपका खाली प्लॉट है, आसपास कोई मकान नहीं बन रहा, आप बना रहे हो, तो उसके सामने रोड ज़रूर होगी। तो आपको दो पॉइंट तो फिक्स करने हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, जो कि रोड के साथ साथ हो, ठीक है। रोड के जो भी जगह छोड़ के हमें बताई गई है उसके साथ साथ हमें यहाँ पर दो पॉइंट करके और यहाँ पर बीच में रस्सी बांध देनी है, ठीक है। अब हमारे पास दीवारें बचती हैं तीन, जो कि बाकी दीवार होती हैं प्लॉट की, ये दीवारें बचती हैं क्योंकि हमें 90 डिग्री पे मकान बनाना। अब होता क्या है कि जैसे कि मान लो कि कारीगर लोग होते हैं ना, वो इतना सा मान को मान लो कि हल्का सा अंदर की तरफ कर दिया, तो आपको पता नहीं चलेगा कि मकान जब बन के तैयार हो जाएगा ना, तो कोई नहीं पहचान पाएगा कि हमारा मकान सीधा है या नहीं है, दिखने में पता ही नहीं चलेगा ये, ठीक है। अगर 2-2.5 इंच होगा 50 फीट की लगभग लेंथ के अंदर, ठीक है, तो आप खुद जाके चेक कीजिए। अब इसका चेक करने का एक सिंपल सा ट्रिक है जो कि मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, दो पॉइंट आपने फिक्स कर दिया और यहाँ पर फिर आपने रस्सी वगैरह बांध दी, ठीक है। अब यहाँ पर हमें आपको क्या करना है कि यहाँ से लेके जो ये वाली दीवार है सामने, यहाँ पर हमें सिर्फ चलना है 4 फीट है, ये 4 फीट चले और इस तरफ हमने उस रस्सी पे कलर वगैरह से आपको मार्किंग कर देनी, ठीक है। अब इस पॉइंट से जहाँ पर ये हमने पॉइंट दिया है, यहाँ से लेके इस बंदे को एक रस्सी बिठा कर, रस्सी दे के यहाँ पर इस तरफ हमारे प्लॉट की साइड तरफ खड़ा कर दो, ठीक है। वो मान लो कि यहाँ पर खड़ा नहीं होगा, अगर वो यहाँ पर खड़ा है या यहाँ पर खड़ा है, वो कहीं भी खड़ा है अभी उससे कोई मतलब नहीं। मान लो कि यहाँ पर खड़ा है या यहाँ पर खड़ा है, वो अभी तिरछा खड़ा है, ठीक है। रस्सी उसको पकड़ा दो और एक पॉइंट पर यहाँ पर खड़ा कर दो इनको। अब हमें क्या करना है कि अभी इसको एकदम सीधा खड़ा करना है हमारे प्लॉट के अकॉर्डिंग 90 डिग्री पे। तो मान लो कि ये बंदा अब यहाँ पर लेके आना है इसको एकदम 90 डिग्री पे, तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर इस जगह पर हमें 3 फीट लेके इस रस्सी के ऊपर एक निशान करना है, ठीक है। 3 फीट यहाँ पर लेना है, रस्सी का निशान करना, एक बंदे को यहाँ पर फीते की पीछे वाले कॉर्नर पकड़ाओ और एक को यहाँ पर। अब यहाँ पर जो बंदा खड़ा है ना, वो देखेगा कि जैसे ही ये फीता जो हमारे पास है वो यहाँ पर इन दोनों के बीच में 5 फीट पे इस निशान पे आ जाएगा, तो वो बंदा एकदम सीधी जो रस्सी होगी वो एकदम सीधा होगा, हमारा जो मकान बनेगा वो एकदम 90 डिग्री के गुनिये के अंदर बनेगा, ठीक है। तो ये हमेशा ध्यान रखना। अभी जैसे मान लो कि हम लोग एक तिरछी लाइन लेके देखते हैं, ये मान लो कि एक बार की तरफ ले रहे हैं, तो अभी यहाँ पर देखते हैं हम लोग इस तरफ चल गए हम लोग, मान लो कि 3 फीट है, 3 फीट कौन सी भी तरफ चल सकते हो और 4 फीट भी कौन सी तरफ से भी चल सकते हो, ये कोई फिक्स नहीं है, ठीक है। लेकिन लेना है 3 और 4 ही, ठीक है। अब इस तरफ हम लोग आ गए मान लो कि 4 फीट है, 1 मिनट, ये इस तरफ हम लोग मान लो कि आ गए 4 फीट, ये एकदम सीधा ले लेता हूँ, ये 4 फीट हो गया। अब यहाँ पर देखिए कितना आ रहा है बीच का सेंटर पॉइंट, ये हमारा सेंटर पॉइंट आ रहा है 5 फीट 7.5 इंच। इसका मतलब क्या है कि ये बंदा हमारे प्लॉट के लाइनिंग से बाहर की तरफ खड़ा है, हमें इसको अंदर की तरफ लेके आना। अब जैसे ही हम बंदे को यहाँ पर हमारा लाइन तो ही है, अब इस बंदे को जैसे ही हम लोग यहाँ पर आएगा ये बंदा, तो हमें ऑटोमेटिक वो जो लाइन है वो ऑटोमेटिक हमें पता चल जाएगी। अब जैसे यहाँ पर हमने 4 फीट लिया, ये हमने पॉइंट दिया और फिर हम लोगों ने यहाँ से जाके ये यहाँ पर चेक तो होता ही रहेगा क्योंकि वो फीता है वो इस बंदे के पकड़ा हुआ रहेगा। तो जैसे ही 5 फीट पर आएगा तो ये बंदा ऑटोमेटिक यहाँ पर सीधा हो जाएगा। अब यहाँ पर जैसे कि मान लो आपकी प्लॉट की जो लंबाई है वो 40 फीट है या 50 फीट है, तो इस बंदे को यहाँ पर एकदम ये सीधा खड़ा रहेगा और यहाँ पर 50 फीट तक चलता रहेगा, ठीक है। 50 फीट जैसे आएगा वहाँ पर एकदम सीधा हो गया, यहाँ पर आपका एक दूसरा पॉइंट कर देगा और वो सेम चीज़ें यहाँ पर चलती रहेगी। अब मान लो कि अगर बंदा अंदर की तरफ खड़ा है, ये देखिए हमारा बंदा कोई है प्लॉट के अंदर की तरफ, क्योंकि वहाँ पर जब साइड पर जाते हैं तो एकदम सीधा नहीं बैठ पाता, एक बंदा तिरछा खड़ा हो तो भी हमें पता नहीं चलता है, ठीक है। तो अभी कैसे करना है इसको चेकिंग, तो जैसे मान लो कि अंदर खड़ा है या नहीं, ये गए हम लोग 3 फीट लिया इस तरफ और इस तरफ जिस तरह वो बंदा है
उस तरफ ही हमने उस रस्सी पर 4 फीट का एक पॉइंट कर दिया। अब यहाँ से इस बंदे को, यहाँ पर एक बंदे को हमने फीता पकड़ाया और दूसरे बंदे को यहाँ पर पकड़ाया। अब वो देख रहा है कि 4 फीट 3.5 इंच जगह है, तो इसका मतलब क्या होगा, उस बंदे को यहाँ से वो बोलेगा कि इधर आते रहा, इधर आते रहे, तो वो जैसे ही यहाँ पर 5 फीट होगा तो वो ऑटोमेटिक उस बंदे को रोक देगा और वो हमारा मकान है वो कि एकदम सीधा हो जाएगा। जैसे कि मैं वापस बता देता हूँ कि जैसे ही वो बंदा यहाँ पर आएगा और फिर यहाँ से वो देखेगा 4 फीट जैसे लेगा तो ऑटोमेटिक बीच वाली जो जगह है वो 5 फीट आ जाएगी। ये देखिए, ये ऑटोमेटिक जगह 5 फीट की आती है, वो बंदा जो यहाँ पर खड़ा है वो ऑटोमेटिक यहाँ पर इस बंदे को रोक देगा और फिर जो भी इसकी हमारी लंबाई है चौड़ाई है वो वहाँ पर पॉइंट कर देगा उसके एकदम सीध में। ठीक है, तो इस प्रकार से आप खुद जाकर चेक कर सकते हो कि हमारी मकान की जो दीवारें हैं वो एकदम सीधी बन रही है नहीं बन रही है। हल्का फुल्का हो सकता है, अगर आपका मिस्त्री है वो अगर सही नहीं है, अगर वो काम फास्ट कर रहा है तो इधर उधर हो जाता है, तो आप इस चीज़ का खुद ध्यान रख सकते हो। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, थैंक्स।